बैंक सॉल्यूशन में आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन के। ये आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में श्योर पूछे जाते हैं जी। देखिए 2019 का देख सकते हैं, 2018 का देख सकते हैं, 2017 का है ना, 2016 का, यानी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। केवल एक मेथड, आप एक फॉर्म पढ़ेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। एक ही टाइप का क्वेश्चन है, नंबर केवल चेंज कर रहा है, ठीक है। तो आप देखें, है ना, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। आपको फाइंड करना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जी, है ना। तो आपका पहला है आर वेक्टर बराबर आई प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस लेमडा टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के, है ना। ये फर्स्ट लाइन दिया हुआ है। एंड आर वेक्टर बराबर टू आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के प्लस म्यू थ्री आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के, ठीक है ना। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं जी, ठीक है ना। बेसिक्स अब जानेंगे तो आपको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आसानी से बन जाएंगे। पहले आप ये समझिए कि अगर कोई वेक्टर के जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ना वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर बराबर ए वन वेक्टर प्लस लेमडा बी वन वेक्टर के रूप में है। जो पहला जो दिया रहेगा ना वेक्टर, उसको ए वन वेक्टर बोलेंगे, ठीक। प्लस लेमडा के साथ जो रहेगा उसको बी वन वेक्टर, है ना। ये लेमडा हो सकता है, म्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कोएफिशिएंट, ठीक है ना। ये आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, तो ऐसा टाइप होना चाहिए बी वन वेक्टर। दूसरा वेक्टर रहेगा आर टू वेक्टर, आर वेक्टर बराबर ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी टू वेक्टर, ठीक है। अगर इस तरह के टाइप दिए हुए हैं, ठीक है ना, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना वो सिंपल है। पहले A2 में से A1 घटाएंगे, मतलब A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक, डॉट प्रोडक्ट, है ना। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, बटा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आप फॉर्मूला लगाएंगे और टोटल का मॉड, मॉड मतलब पॉजिटिव, है ना, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है 2019 का, है ना। देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे फ्रॉम गिवन लाइन इक्वेशन, है ना, ये लाइन इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे फ्रॉम गिवन लाइन इक्वेशन ए वन वेक्टर बराबर, देखिए फर्स्ट स्टेप को समझिएगा, ये इतना जो है मेरा ए वन कहलाएगा, है ना, प्लस लेमडा, देखिए प्लस लेमडा, उसके बाद जो दूसरा रहेगा उसको बी वन वेक्टर, श्योर ना, बी वन वेक्टर। ये मेरा ए टू वेक्टर कहलाएगा लेंगे, है ना, और ये बी टू वेक्टर, क्लियर। तो लिखेंगे हेयर फ्रॉम गिवन लाइन इक्वेशन ए वन वेक्टर आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, ए टू वेक्टर टू आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के, ठीक है ना। फिर उसके बाद बी वन वेक्टर लिख लेते हैं, सब लिख लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग फॉर्मूले पर बैठाएंगे, बी वन वेक्टर टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के, ये बी वन वेक्टर हो गया, ये बी टू वेक्टर, बी टू वेक्टर बराबर थ्री आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आपके चाहिए ए टू माइनस ए वन, है ना। एक बार में सारा वैल्यू अपना ही निकाल सकते हैं, इसलिए बारी बारी से पार्ट पार्ट करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में फॉर्मूला पुट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आप ए टू माइनस ए वन निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे सिंस ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर बराबर, तो पहले ए टू वेक्टर है, है ना। तो ए टू वेक्टर का वैल्यू देखिए कितना है, टू आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के, ठीक है। इसको लिखने के बाद माइनस लिखेंगे ए वन वेक्टर का वैल्यू, तो ए वन वेक्टर कितना है, आई वेक्टर प्लस टू जे प्लस थ्री के। अब इसे पहले सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये माइनस सबके लिए हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले एक स्टेप लिख लीजिएगा,
ठीक, माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस आई माइनस टू जे और माइनस थ्री के, ये हो गया। अब इसे घटा लेते हैं, टू आई में से एक आई घटेगा तो आई बचेगा, फोर जे में से टू जे घटेगा तो प्लस टू जे बचेगा, फाइव के में से थ्री के घटेगा तो प्लस टू के। क्लियर ना? ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर निकल चुका है ना। अब उसके बाद क्या चाहिए, बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर चाहिए, है ना। तो अब इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं, एंड बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर बराबर। तो इसको देखिए, वेक्टर मैंने इसको बताया था, है ना, कि क्रॉस निकालने के लिए सिंपल सा मेथड है कि डिटरमिनेंट फॉर्म से आप बेहतर निकाल सकते हैं। बी वन क्रॉस बी टू, तो पहले आप लिखिए आई जे के, ठीक है, आई जे के लिख लेंगे। सबसे पहले बी वन है, यानी बी वन के वेल्यूज लिखेंगे, बी वन का, देखिए बी वन है ना, तो केवल नंबर लेते हैं जी, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर। बी टू वेक्टर, तो बी टू वेक्टर उसके बाद थ्री फोर फाइव, थ्री फोर फाइव, इस बात का ध्यान रखेंगे, बी वन का पहले वैल्यू लिखना है फिर बी टू का, है ना, गलत ना करेंगे जी। अब डिटरमिनेंट से इसका वैल्यू निकाल लेंगे, आई वेक्टर लेंगे, डिलीट करेंगे, ये डिलीट करेंगे, है ना, मेरे पास चार एलिमेंट बचे, तो पहले ऐसे गुणा करते, ठीक है ना, तो तीन पचे पंद्रह माइनस चार चौका सोलह, ठीक है, आई के सेंस में यह काम हो चुका है डिलीट करके। अब जे, जे के लिए यहाँ जो साइन होता है ना डिटरमिनेंट में, वो माइनस होता है जी, माइनस जे, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखिए, ये सामने डिलीट हो जाएगा, ये सामने डिलीट हो जाएगा, क्योंकि जिसको इंडिकेट करते हैं ना उसका रो और कॉलम डिलीट करते हैं, ठीक है, तो बचेगा क्या, टू फोर थ्री फाइव, ठीक है। तो पहले इधर से ऐसे गुणा करना है ना, तो दो पचे दस माइनस तीन चौका बारह, ठीक है। अब प्लस के के लिए देखिए, के वास्ते ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो जाएगा, है ना, तो बचेगा दो तीन, तीन चार, तो पहले से गुणा करना है, दो चौके आठ माइनस तीन तिया नौ, ठीक है। तो आपको मिला क्या, पंद्रह में से सोलह घटेगा तो माइनस माइनस वन इंटू आई, तो माइनस आई लिख सकते, दस में से बारह घटेगा तो माइनस दो, और यहां पर माइनस जे से गुना होगा तो प्लस टू जे हो जाएगा, आठ में से माइनस नौ घटेगा तो माइनस वन बचेगा, यानी कि माइनस वन इंटू के, तो माइनस के हो जाएंगे। क्लियर? यानी बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर आपका निकल चुका है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक है। देखिए ये निकल चुका है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए ना, बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, तो देखिए इसका निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। इसलिए बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो यहां पर मैग्नीट्यूड निकालने का कोफिशियंट लेते हैं केवल ना, नंबर माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, तो आपको मिले कितना यहां पर, अब देखिए एक प्लस चार प्लस माइनस वन का स्क्वायर वन ही होगा, यानी कि चार और एक पांच और एक छह, रूट छह हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे सॉर्टेड एडिशन फॉर्मूला, अब यूज करेंगे सिंस एस डी, है ना, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, डायरेक्ट आप एस डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर डॉट, देखिए ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, है ना, फिर उसके बाद बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर का वैल्यू, बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर बटा बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड का पूरा का मॉड, ठीक है। अब बारी बारी से सबका वैल्यू यूज कर लेते हैं, ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, देखिए इसका वैल्यू, ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर का वैल्यू आई प्लस टू जे प्लस टू के, आई प्लस टू जे प्लस टू के लिखा गया डॉट, बी वन क्रॉस बी टू का वैल्यू, देखिए बी वन क्रॉस बी टू का वैल्यू कितना, माइनस आई प्लस टू जे माइनस के,
माइनस आई, प्लस टू जे और माइनस के, ठीक है, बटा बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड, बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड, सब वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ना, यही फायदा होता है। और यहीं पर डायरेक्ट पुट करते हैं ना तो थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, तो आपको दिक्कत हो सकता था, ठीक है। यहाँ के बाद अब नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब जो है इसको गुणा कर लीजिए, है ना, सबसे पहले इसको गुणा करिए, तो i को i से गुणा करना, तो यहाँ पर माइनस वन है और यहाँ कितना वन है, तो वन इंटू माइनस वन कितने हो जाएंगे, माइनस वन, जे को जे के साथ तो दो दूना चार, दो यहाँ पर माइनस वन से गुना होगा तो माइनस दो आ जाएगा, बट्टा रूट सिक्स, है ना, ये पूरा का मॉड। तो देखिए माइनस वन और माइनस टू कितने हो गए, माइनस थ्री, यानी चार में से तीन घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, वन बट्टा रूट सिक्स, ठीक है। तो ये आपका फाइनल वैल्यू हो जाएगा, यानी वन बाय रूट सिक्स, ठीक है ना, ये आपका सॉर्टेड डिस्टेंस होगा आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए 2018 का क्वेश्चन है ना, तो सेम टू सेम आपने अभी जस्ट देखा कि 2009 का 2019 का जो है ना किस तरह से सॉल्यूशन होता है, सेम टू सेम है। देखिए इतने को a1 वेक्टर मानेंगे प्लस लेमडा है, इसको b1 वेक्टर मानेंगे, ये दूसरा है जो है इसको a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, सिंपल ना, जिस तरह बनाया है उसी तरह बनाएंगे, है ना। तो देखिए 18 भी उसी तरह बन जाएगा, 19 का भी आपका पैटर्न वही है ना, देखिए 16 का, 18 के बाद 17 है यहाँ पर, है ना, तो उसके बाद देखिए 16 का, है ना, सेम टू सेम है, तो एक आप इसे कर लेंगे। अब दूसरा देखिए, है ना, दूसरे टाइप का भी शॉर्टेड डिस्टेंस ही निकालना है, लेकिन ये अब वेक्टर फॉर्म से ना दे करके अब क्या दे दिया, कार्टेशियन फॉर्म, है ना, x प्लस थ्री बटा माइनस फोर, वाई माइनस सिक्स बटा थ्री, जेड बटा टू एंड x प्लस टू बटा माइनस फोर बराबर वाई बटा वन बराबर जेड माइनस सेवन बटा वन दिया हुआ, ठीक है ना। तो एक वेक्टर फॉर्म बना, अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म एक बना देंगे तो सिक्स मार्क्स तो आपको सियोर हो जाएंगे कि अगर शॉर्टेड डिस्टेंस पूछता है तो आप दोनों में से किसी एक मेथड से आप बना सकते हैं, मतलब वेक्टर रहेगा तो वेक्टर में फॉर्म से बना दीजिएगा और कार्टेशियन अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है ना, तो इसे बनाने से पहले आपको मैं एक रूल थोड़ा बता देता हूँ इसका, कार्टेशियन का, है ना, कार्टेशियन का रूल पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए लाइन इक्वेशन का फॉर्म ऐसा होना चाहिए, x माइनस एक्स वन, अगर कार्टेशियन की बात करें तो एक्स वाई की बात करें, है ना, तो x माइनस एक्स वन बटा ए वन, वाई माइनस वाई वन बटा बी वन, जेड माइनस जेड वन बटा सी वन, ठीक है, यानी x y और z ये सब प्योर होना चाहिए, मतलब इसके साथ कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, कोई नंबर नहीं होना चाहिए ना माइनस में होना चाहिए, ये सब नंबर इधर इधर जो रहेगा ना उसको आप नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो वो दिक्कत नहीं पड़ने वाला, यहाँ जो x y जो है वो प्योर होना चाहिए यानी प्लस होना चाहिए और मतलब नंबर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन ऐसा होगा, दूसरा लाइन की बात कर रहे हैं कि x माइनस एक्स टू बटा ए टू, वाई माइनस वाई टू बटा बी टू, जेड माइनस जेड टू बटा सी टू, अगर ऐसा पैटर्न दिया रहे, ठीक है ना, तो हम लोग शॉर्टेड डिस्टेंस लगाते हैं फॉर्मूला, शॉर्टेड डिस्टेंस जो फॉर्मूला निकालने का है वो सिंपल सा है जी, है ना, लेकिन थोड़ा सा याद रखना होगा, एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, है ना, इस तरह से, और लिखेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन का वैल्यू, ठीक। जब ये मैं बताऊंगा एक्स टू, देखिए यहाँ पर वाला दूसरे लाइन से मिलता है एक्स टू, पहले लाइन से एक्स वन मिलता है, ठीक है, तो सब बताऊंगा अभी, पहले फॉर्मूला सीख लीजिए, एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर वाई टू माइनस वाई वन, यहां पर जेड टू माइनस जेड वन करके, ठीक, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट लाइन वाला, फर्स्ट लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा ना उसको लिखना है नीचे, ए वन बी वन सी वन, ठीक है, दूसरे लाइन वाला ए टू बी टू सी टू, ठीक है, बटा, अब ध्यान से यहां देखिएगा जो मैं नीचे लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का ये फॉर्मूला याद ही नहीं हो पाता है, ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल याद करा दूंगा मैं आपको, है ना, देखिए इतना हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है ना, मैं थोड़ा सा आपको ट्रिकी में थोड़ा सिखा दूं, ए बी सी एक लिखिएगा, है ना, और ए बी का जोड़ा लिखिएगा, पहले देखिए कहने का मतलब ए बी माइनस ए बी लिखिएगा इसे, और यहाँ स्क्वायर डालिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ए बी लिखना है, उसके बाद देखिए बी सी प्लस बी सी माइनस बी सी करके, फिर इसका स्क्वायर लिखिएगा, ठीक,
प्लस ए बी हो चुका, बी सी हो चुका, अब उसके बाद सी ए है ना, सी ए माइनस सी ए है ना, इधर लिखेंगे। आप सोच रहे हैं सर घट के तो जीरो हो जाएगा, नहीं रुकिए मैंने बोला रुकने के वास्ते, ठीक है ना, ऐसा किया है ना। अब यहाँ क्या करना है, वन टू वन टू वन टू वन टू टू वन सॉरी टू वन बैठा देना है, ठीक है ना, बारह इक्कीस बैठाते चलना है, ठीक है, वन टू टू वन वन टू टू वन, ठीक है, यहाँ याद रहेगा ना, बारह इक्कीस बारह इक्कीस बारह इक्कीस बारह इक्कीस, ठीक है, इस तरह करके इसका स्क्वायर ये, ठीक है, तो इसका भी मॉड होगा है ना, पूरा निकालने के बाद क्या होगा मॉड, ठीक है, ये होता है। अब देखिए चलिए सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे है ना, लिखेंगे फ्रॉम गिवन लाइन इक्वेशन है ना, देखिए गिवन लाइन इक्वेशन आप थोड़ा देख लीजिए कि मेरा फॉर्म जो है अच्छा है ना इक्वेशन का, देखिए x प्लस है कोई दिक्कत नहीं, x x प्योर है, y प्योर है, z प्योर है, उसके बाद कोई भी नंबर इधर उधर है जो माइनस प्लस के उसके बाद देख लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम गिवन लाइन इक्वेशन है ना, तो जो ये पहला होगा ये x1 होगा है ना, ये a1, फर्स्ट लाइन में क्या होता है x1 और ये a1, तो लिखेंगे x1 बराबर, इसका जब वैल्यू निकलेगा जी है ना, ये जो भी साइन रहेगा ना यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट लेना है वैल्यू, मतलब x1 बराबर आपको माइनस थ्री, ठीक, यहाँ पर y1 बराबर सिक्स, यहाँ जेड है ही नहीं, यहाँ पर तो नहीं कुछ भी, तो जीरो है ना, तो z1 बराबर जीरो, ठीक है, फिर आप लिख लेंगे a1 बराबर माइनस फोर, b1 बराबर थ्री, c1 बराबर एंड इसका देख लीजिए, इसका बताइए तो कितना होगा, x2 बराबर, यहाँ पे देखिए x2 बराबर कितना होगा माइनस टू, x2 बराबर माइनस टू, जस्ट अपोजिट अपोजिट साइन लेना है ना, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस ले लीजिएगा। y2 बराबर कुछ नहीं है यहाँ पे, तो क्या होगा उसके लिए जीरो, ठीक है, z2 बराबर सेवन, ठीक है, a2 बराबर ए टू माइनस फोर, बी टू बराबर वन, सी टू बराबर वन, ठीक है, इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये डायरेक्ट जो है ना यहां पर आप फॉर्मूले पर लगा देंगे, ठीक है ना, लिखेंगे सिंस एस डी बराबर, सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसलिए इसको आराम से बनाइएगा, ठीक है ना, पांच से सात मिनट भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, x क्या लिखते हैं, x2 टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन है ना, देखिए होता है ना फॉर्मूला, बटा बटा बोल रहे पहला डायरेक्शन रेशियो ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ठीक है, बटा रूट ओवर, अब यहां आप समझ में आ गया होगा कि हाँ मुझे क्या लिखना चाहिए, ए बी माइनस ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए माइनस सी ए का होल स्क्वायर, ठीक है, चलिए इसका पूरा का मॉड, पहले वैल्यू बैठा लेते हैं, एक्स टू ध्यान से बैठाइएगा, एक्स टू देखिए माइनस टू है ना, तो माइनस टू माइनस माइनस एक्स वन, एक्स वन का वैल्यू माइनस थ्री, तो यहां पर माइनस पहले से है और माइनस थ्री है वैल्यू, तो यह हो जाएगा प्लस थ्री, ठीक है, फिर वाई टू, वाई टू का वैल्यू जीरो, माइनस वाई वन सिक्स, फिर जेड टू, जेड टू आपका सेवन है, जेड वन माइनस जेड वन है ना, तो जेड वन आपका कितना है जीरो, ठीक, एक आप समझ गए तो इस तरह का जो है ना ये आप बना सकते हैं बिल्कुल आराम से, एक पर टाइम अच्छा देना है, ये डिटरमिनेंट है जी है ना, फिर ए वन बी वन सी वन,
यानी कि ए वन बी वन सी वन माइनस फोर थ्री टू माइनस फोर थ्री टू, फिर ए टू बी टू सी टू, ए टू बी टू सी टू यानी कि माइनस फोर वन वन माइनस फोर वन वन, क्लियर, बटा रूट ओवर जी यहाँ पर वन टू नहीं किए थे बारह इक्कीस है ना। अब ध्यान दीजिए ए वन बी टू, ए वन बी टू गुणा करना ए वन, ठीक है ए वन कितना है माइनस फोर और बी टू वन, तो माइनस फोर को वन से गुणा करेंगे कितना आएगा है ना, तो माइनस फोर इंटू वन लिख देते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ए टू बी वन, ठीक है ए टू, ए टू माइनस फोर बी वन थ्री, माइनस फोर इंटू थ्री तो माइनस फोर इंटू थ्री, ठीक है इसके बाद स्क्वायर, ठीक है मार्क्स चाहिए तो धैर्य तो रखना पड़ेगा ना है ना। फिर अब उसके बाद बी वन, तो बी वन वन है ना, बी वन वन, फिर बी टू देखिए बी वन सी टू, बी वन वन और सी टू, सी टू बी वन यहां पर है ना वन बी वन, देखिए बी वन यहां पर है ना थ्री और सी टू, सी टू देखिए वन थ्री इंटू वन, ठीक है थ्री इंटू वन इसका हो गया माइनस बी टू सी वन, बी टू सी वन, बी टू सी वन यानी कि वन इंटू टू, वन इंटू टू इसका अपना इसका स्क्वायर प्लस, ठीक है फिर आपका सी वन ए टू, सी वन टू है ए टू माइनस फोर यानी कि टू इंटू माइनस फोर, टू इंटू माइनस फोर, टू इंटू माइनस फोर ये हुआ बीच में माइनस सी टू ए वन, सी टू देखिए सी टू ए वन यानी कि वन इंटू माइनस फोर, वन इंटू माइनस फोर, वन इंटू माइनस फोर, बस इतना करने के बाद तो कैलकुलेशन में आप बेहद अच्छा जानते हैं है ना। अब इसमें डिटरमिनेंट लगा दीजिए, सॉरी मॉड लगा दीजिए, ठीक है ना एस डी बराबर, ठीक है अब थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ेगा है ना, पहले डिटरमिनेंट को थोड़ा अच्छा फॉर्म में लिख लेते हैं, ये कितना आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद तीन में से दो घटेंगे वन आएंगे माइनस छ सेवन है ना, माइनस फोर थ्री टू, माइनस फोर वन वन, बेहतर हो गया ये है ना, सिंपल से डिटरमिनेंट फॉर्म आ गया है बट रूट में। अब थोड़ा ये देख लीजिए ये माइनस चार ठीक है और देखिए माइनस बारह, तो यहां पर माइनस है तो प्लस बारह का स्क्वायर प्लस थ्री वन इंटू टू टू माइनस टू स्क्वायर प्लस दो चौके आठ यानी कि माइनस आठ, वन इंटू माइनस फोर कितना हो गया माइनस फोर, यहां पर माइनस पहले से है तो प्लस फोर हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद जो है ना डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे फटाफट, वन इंटू लेंगे डिलेट डिलेट ये चार बचे हैं इतना है ना, तो पहले से गुणा करना है तीन एक तीन बीच में माइनस साइन होता है वन इंटू टू, टू बीच में माइनस इसके लिए माइनस, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस छः आएगा यहाँ पर तो यह हो जाएगा प्लस छः। अब डिलीट करके देखो ये डिलीट तो पहले ये बचा ये बचा ये बचा ये बचा ना, ऐसे गुणा करना है तो माइनस चार बीच में माइनस होता है तो माइनस चार इंटू दो माइनस आठ आएगा और यहाँ पर माइनस पहले से तो आठ हो जाएगा प्लस सेवन डिलीट डिलीट माइनस फोर इंटू वन तो माइनस फोर बीच में माइनस चात्री का बारह माइनस बारह तो प्लस बारह ठीक है बट्टा। अब इसका थोड़ा देख लीजिए रूट वाले का बारह में से चार घटेगा आठ, अब आठ का स्क्वायर चौसठ लिख सकते हैं जी कोई दिक्कत नहीं है, तीन थ्री में से आपके
तीन में से दो कटे हैं, एक बचेंगे है ना, एक का स्क्वायर, ओ वन ही लिख सकते थे है ना, ये रूट नहीं है, ठीक है, मतलब ब्रैकेट नहीं है, ठीक है ना। प्लस इधर देखो, चार में से आठ कटेंगे यानी माइनस चार, माइनस चार स्क्वायर कर सोलह, ठीक है ना, पूरा का मॉड। दो में से सॉरी तीन में से दो कट गए, एक, आठ में से चार कट गए, कितने बचे, चार, अच्छा अच्छा का चौबीस। यहाँ पर देखिए, बारह में से चार कट गए, आठ, आठ सती छप्पन, बटा रूट में देखिए कितने आते हैं, छः और एक सात, चार ग्यारह का एक, हाथ बच गया एक, एक और एक दो और छः, आठ हो जाएंगे है ना, छः एक सात, चार ग्यारह का एक, हाथ बच गया एक, एक छः सात एक, ठीक है बिल्कुल है ना। नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लीजिएगा जी, है ना, बिल्कुल आप बना सकते हैं अच्छे से, कैलकुलेशन तो करना होगा ना, सिक्स मार्क्स है, सही तो पूरा सही है ना, छः चार दस और एक के ग्यारह के एक, हाथ बच गया एक, पाँच दो सात आ एक आठ, इक्यासी आ रहा है ना। और रूट देखिए, रूट इक्यासी, रूट इक्यासी का होता है नौ, क्लियर, यहाँ तो पॉजिटिव ही है तो नौ से काट दीजिए, नौ नौ इक्यासी यानी एस डी बराबर देखिए नाइन, तो यूनिट दे दीजिएगा है ना, यूनिट मतलब इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं है ना, ये जो है देखिए, तेरह तो मैंने बनाया है ना, तेरह तो बनाया, चौदह बारह का जो क्वेश्चन है सेम टू सेम है, इसी तरह से बनाएंगे शॉर्टेड डिस्टेंस है ना, दस का जो है सेम टू सेम, तो आप दोनों जो बने मैंने बताया वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों आप बना लीजिएगा, ठीक है, एक बार जरूर ट्राई कर लीजिएगा आप, ठीक है, कि हमसे बन रहा है कि नहीं, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, ठीक है, डरने की बात नहीं है, ठीक है, मार्क्स चाहिए तो मेहनत करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक 2015 का क्वेश्चन देख लीजिए ना, इसके भी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना था, ठीक है ना। तो देखिए ये सिंपल फॉर्म में नहीं दिया है ना, जैसा फॉर्म होता है ना, आर वेक्टर बराबर ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन वेक्टर है ना, आर वेक्टर बराबर ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी टू वेक्टर, ऐसा नहीं दिया, ठीक है ना। देखिए किस तरह से मिला मिला करके लिख दिया, एस और टी करके दे दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम लोग जो है ना सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आएंगे, ठीक है। देखिए कहने का मकसद है कि इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेंगे, ठीक है ना। देखिए बोलेंगे सॉल्यूशन में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है ना, ध्यान मतलब फॉर्मूला वही लगेगा फॉर्म, ठीक है ना, लेकिन फॉर्म तो हमें इस तरह पता चल जाए तो ए वन ए टू बी वन बी टू ये सब जो पता चलेगा तब ना हम लोग लगा पाएंगे। तो बोलेंगे सॉल्यूशन में गिवन लाइन इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, ठीक है ना, हम लोग लिखेंगे कि जो दिया हुआ इक्वेशन है वो ऐसा भी लिखा जा सकता है। देखिए आर वेक्टर बराबर ये आई जब वन से गुना में देखिए ना, है ना, आई जब गुना होगा तो पहले हम केवल नंबर के साथ वाला देख रहे हैं, टी 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 इसमें है ना वो वाला भी नहीं लिख रहे हैं, ठीक, तो आई वाला केवल नंबर के साथ, जब आई वन से गुना होगा तो आई लिखा है कि नहीं, सिंपल है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी टी वाला हम नहीं गुना कर रहे, टी वाला हम रखेंगे बाद में है ना, लिखेंगे अभी। अब इसमें देखिए जे इसमें गुना नंबर के साथ गुना होगा तो माइनस टू जे लिखाएगा कि नहीं, यस, इधर देखिए नंबर है तो के जब इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस थ्री के, ठीक है, एक वेक्टर बन चुका है प्लस। देखिए यहां पर टी 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 है तो टी जो है ना टी टर्म वाला स्केलर क्वांटिटी है ना, टी आप ऐसा लिख लेंगे, ठीक। अब टी वाले के साथ अगर गुना होगा तो कितना होगा, माइनस टी आई है ना, तो टी तो हम लोग निकाल लिया कॉमन तो लिखा गया कितना, माइनस आई, ठीक है, थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा यहाँ पर अपने में। अब देखिए टी वाला यहाँ जे इसके साथ गुना होगा तो टी जे होगा, टी जे फैक्टर बनेगा ना, और टी टू टी तो कॉमन हम ले लिए हैं तो प्लस जे बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस टू टी के बनेगा है ना, टी टी कॉमन हो चुका है तो कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस टू के है ना, माइनस टू के, क्लियर है ना। अब इसमें थोड़ा देखिए आप दिमाग लगाइए, पहले हम लोग किसका करेंगे काम, नंबर वाले का है ना, उसके साथ आई जे करके लिखेंगे,
तो आई वन से गुना होगा यानी आई हो गया, फिर इधर माइनस जे हो गया, फिर इधर देखिए माइनस से गुण बाहर में है तो माइनस इसको अंदर लेके समझना होगा, ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट में फंसा रहा हमको, फंसना नहीं हमको। तो माइनस टू एस होगा, ये माइनस वन होगा, है ना, तो ये के गुणा में होगा तो क्या होगा माइनस के, यस माइनस के, ठीक है। अब प्लस देखिए सब नीचे वाले में सब एस 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 है ना, एस एस का टर्म, तो एस हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन, ठीक है। अब एस वाले के साथ, एस जब इसके साथ गुणा होगा तो एस आई होगा कि नहीं, है ना, तो एस तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचेगा केवल आई। यहां देखिए जे वाला साथ है ना, टू एस बनेगा, टू एस जे है ना, और हम लोग एस कॉमन ले चुके हैं तो टू टू जे प्लस टू जे। अब देखिए ये माइनस टू एस के बनेगा और एस हम लोगों ने कॉमन ले लिया है तो कितना बचेगा बाबू माइनस टू के, ठीक है, कोई हड़बड़ाना नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है, ध्यान देंगे इस पर। अब लिखेंगे हेयर, हेयर ए वन वेक्टर है ना, ये मेरा ए वन वेक्टर हो गया, आई वेक्टर माइनस टू जे वेक्टर प्लस थ्री के वेक्टर। बी वन वेक्टर माइनस आई प्लस जे माइनस टू के, ठीक है, ए वन प्लस लेमडा ना दे करके यहाँ टी आ गया है ना, बी वन वेक्टर। यहाँ पर देखिए ए टू वेक्टर बराबर आई माइनस जे माइनस के और ए बी वन, ये बी टू वेक्टर, ठीक है, बी टू वेक्टर देखिए आई प्लस टू जे माइनस टू के, ठीक है। तो हम लोग जो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते थे जी, उसमें देखिए याद रखिए फॉर्मूला जो है ना वो क्या होता था, है ना, फॉर्मूला होता था ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर डॉट ए वन वेक्टर क्रॉस ए टू वेक्टर बटा ए वन वेक्टर क्रॉस ए टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, पूरा का मॉड एस डी बराबर होता था ना। तो हम लोग को बारी बारी सबका वैल्यू निकालना होगा, है ना, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, काम हो जाएगा। देखेंगे सिंस ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर बराबर, तो पहले ए टू का माइनस ए वन यानी कि आई माइनस टू जे प्लस थ्री के। अब इसमें आई है, ये देखिए लिख लेते हैं माइनस जे माइनस के, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस आई हो जाएगा और प्लस टू जे हो जाएगा माइनस थ्री के, ठीक है। तो आई में से आई घट जाएगा तो जीरो आई बचेगा, जे जे माइनस जे है और ये प्लस टू जे है तो कितना बचे प्लस के, सॉरी जे जे ना है जी, है ना, या माइनस के, ये भी माइनस थ्री के तो माइनस फोर के। देखिए इसके इतना करने के बाद हम लोग निकालेंगे क्या, बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर, है ना, तो इसका निकालने का तरीका क्या है, मॉड्स डिटरमिनेंट साइन से, है ना, डिटरमिनेंट से निकालते हैं, यानी कि डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे, ठीक है, पहले बी वन का वैल्यू, ठीक है, तो बी वन देखिए माइनस वन वन माइनस टू माइनस वन वन माइनस टू, ठीक है। फिर बी टू का, बी टू का देखिए वन टू माइनस टू वन टू माइनस टू, ठीक है। अब हम लोग इसका डिटरमिनेंट बिल्कुल निकालना जानते हैं ना, आई लिखेंगे डिलेट डिलेट वन इंटू माइनस टू कितने हो जाएंगे माइनस टू, बीच में माइनस का साइन, जब इधर गुणा करते हैं तो टू इंटू माइनस टू कितने हो गए माइनस फोर, दो दो चार होता है माइनस चार आएगा तो प्लस यहां पर कर जाएगा चार माइनस जे, इसके लिए यहां पर साइन माइनस लेते हैं, ठीक है, तो माइनस जे हो गया, ये डिलेट सामने डिलेट तो माइनस वन इंटू माइनस टू कितने हो गए प्लस का टू, बीच में माइनस का साइन होता है वन इंटू माइनस टू, ठीक है, तो माइनस टू आ रहा है या माइनस है तो प्लस टू हो जाएंगे प्लस के, डिलेट डिलेट बच गया ये नंबर, है ना, तो पहले ऐसे गुना करते हैं वन इंटू माइनस वन इंटू टू कितना हो गया माइनस टू, वन इंटू वन माइनस वन यहाँ पर हो गया, है ना,
क्योंकि माइनस होता है और वन इंटू वन वन ही ना आएगा, एक एक एक, ठीक है। तो चार में से दो कट गए, दो बचेंगे यानी कि टू आई, दो दो चार माइनस चार जे, ठीक है। माइनस दो माइनस वन कितने हो गए, माइनस थ्री के, क्लियर। इतना करने के बाद जो है ना हम लोग को मैग्नीट्यूड भी चाहिए ना, तो और मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड बराबर तो रूट ओवर क्या हो जाएगा, दो का स्क्वायर प्लस माइनस चार का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर, चार प्लस सोलह प्लस नौ, ठीक है ना। सोलह और देखिए सोलह और नौ पच्चीस है ना, पच्चीस हजार उनतीस रूट है, उनतीस हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब लोग लिखेंगे फॉर्मूले को, सिंस एस डी बराबर शॉर्ट डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर डॉट बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर बटा बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरा का मॉड का साइन। तो ए टू माइनस ए वन है ना, देखिए इसका वैल्यू निकाल चुके हम लोग है ना, ए टू माइनस ए वन जीरो आई प्लस के प्लस जे माइनस फोर के लिख लेंगे, जीरो आई प्लस जे माइनस फोर के, ठीक है। डॉट बी वन क्रॉस बी टू है ना, बी वन क्रॉस बी टू बी वन क्रॉस बी टू का हम लोग निकाल चुके हैं, टू आई माइनस फोर जे माइनस थ्री के लिख लेते हैं, टू आई माइनस फोर जे माइनस थ्री के, ठीक है। ध्यान से वैल्यू बैठाएंगे बटा इसका बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड, तो इसका जस्ट निकाले रूट उनतीस, ठीक है ना, पूरा का मॉड। चलिए आई वाले को आई के साथ, तो यहाँ जीरो है इंटू टू से गुना होगा तो जीरो आ जाएगा, वन है माइनस फोर से गुना होगा तो माइनस फोर, माइनस चार गुणा माइनस तीन तो प्लस का बारह बनेगा बटा रूट है उनतीस, ठीक है। तो आपको मिलेगा कितना, बारह में से चार कटेगा आठ बटा रूट उनतीस, ठीक है ना। और आप आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हैं लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रेशनल जो नंबर होता है वो रूट नीचे नहीं रखना चाहिए, मतलब रेशनल आज कर दो यार ऐसे, ठीक है ना। ये जितना रूट उनतीस है ना तो कितना हो जाएगा, आठ रूट उनतीस बटा रूट उनतीस से रूट उनतीस गुणा होगा तो उनतीस बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर सही है, एस डी बराबर ऐसा, ठीक है ना, ठीक है, ये आपका आंसर होगा।